हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं अ गेम जो कि जानी जाती है ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस के नाम से। और ये गेम दोस्तों दो वर्ल्ड चैंपियन के बीच में खेली गई थी, मिखेल ताल वर्सेस टिगर एंड पेट्रोजिन। गेम खेली गई थी 1973 में एज अ पार्ट ऑफ USSR चेस चैंपियनशिप मॉस्को में। इस गेम में दोस्तों मिखेल ताल के व्हाइट पीसेस थे और पेट्रोजियन का ब्लैक, और केरोकान डिफेंस को ये गेम फीचर करती है। और नॉर्मली जो पेट्रोजियन है वो जाने जाते हैं अपनी पोजिशनल स्टाइल के लिए, बट इस गेम में हम देखेंगे कि वो टेक्टिकली भी काफ़ी अच्छा और साउंड खेलते हैं। सो आइए शुरू करते हैं गेम। गेम में मिखेल ताल ने शुरुआत की पोन टू e4, और अब पोन टू c6 केरोकान डिफेंस, पोन टू d4, पोन टू d5, ठीक है ना। ये यूजुअल मूव है फ्रेंच और केरो में कि जहाँ पे वाइट के सेंटर को आप तुरंत ही, ठीक है ना, चैलेंज करते हो। नाइट टू c3, डी कैप्चर e4, नाइट कैप्चर e4 और नाइट टू d7। दोस्तों ये नाइट कैप्चर e4 के बाद जो नॉर्मल कंटिन्यूशन है मेन मूव ब्लैक की, वो है बिशप टू f5। और जहाँ पे कंटिन्यूशन कुछ इस तरह से होता है, नाइट टू g3, बिशप पे अटैक है, बिशप टू g6, और वाइट जो है वो बिशप पे, ठीक है ना, टेम्पो लेता है विद द हेल्प ऑफ पोन h4 h5। सो पोन h4, पोन h6, पोन h5 और h6 दोस्तों इसलिए, अदरवाइज बिशप ट्रैप हो जाता। बिशप टू h7, नाइट टू f3, अब नाइट टू d7, और बाद में बिशप d3 जाके बिशप जो है वो एक्सचेंज करता है, ठीक है ना। और कुछ इस तरह से गेम होती है। शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि क्यों बिशप इस तरह से एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है ना, वो पहले क्यों नहीं एक्सचेंज करते, क्यों h4 और h5 करके जो है वो वीक कर देते हैं पोजीशन। दोस्तों एक्चुअली h4 h5 करके पोजीशन वीक नहीं होती। ये जो पर्टिकुलर एक पोन फॉर्मेशन बनता है उसको क्वार्टर ग्रिप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पोन h5 है, बाद में एक पोन आएगा g4 पे, दूसरा पोन आएगा f4 पे, और जो व्हाइट की नाइट है वो दोस्तों जंप होगी e5 पे, और उसके बाद जब भी वो नाइट कैप्चर होगी दोस्तों हम डी कैप्चर e5 खेलेंगे। तो इस तरह से जो आप देख रहे हो कि चार रेड सर्कल है वो फॉर्मेशन बन गया पोन का, वो क्वार्टर ग्रिप फॉर्मेशन माना जा बोल उसको क्वार्टर ग्रिप फॉर्मेशन बोलते हैं। और दोस्तों एंड गेम में ये पोन ब्रेक लेने के लिए काफ़ी अच्छा है, और जो वाइट की एंड गेम है इसी पोन फॉर्मेशन की वजह से बेटर हो जाती है। उसके रिगार्डिंग हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना, बट दैट इज़ द मेन पर्पज़ कि क्यों आप पहले h4 और h5 खेलते हो, ठीक है। बट एनीवेज नाइट कैप्चर e4 के बाद गेम में खेला गया नाइट टू d7। वो दोस्तों ये जानी जाती है सिमस्लोव सिस्टम, और इस पे गैरी कास्परोव वर्सेस डीप ब्लू की काफ़ी एक फेमस गेम है जिसमें डीप ब्लू ने कास्परोव को बड़ी बेहमी से पीटा था। तो वो गेम दोस्तों काफ़ी देखने लायक है, अगर आप चाहो तो मैन वर्सेस मशीन यूट्यूब हिंदी में फाइंड कर सकते हो, जिसमें मैंने गेम एक्सप्लेन की है, ठीक है ना। सो नाइट टू d7, और यहाँ पर मेन मूव है दोस्तों नाइट टू g5, बट हम आगे चल के उसी में ट्रांसपोज हो जाएंगे, बिशप टू c4, नाइट g2 f6 और नाइट टू g5। यहाँ पर ब्लैक ने खेला पोन e6 और क्वीन e2। वो दोस्तों ये सब काफ़ी सिंपल लग रहा है, बट इस पोजीशन में एक ज़बरदस्त अटैकिंग थ्रेट है। देखिए यहाँ पे कोई आप कुछ भी ऐसी ट्राई करते हो, जैसे इस नाइट को किक करने की, नाइट ऑन g5 को, जैसे कि पोन h6 खेल के, ठीक है ना। सो यहाँ पर वाइट इज विनिंग सिंपली, नाइट कैप्चर f7, और जब किंग कैप्चर f7 आता है देन क्वीन कैप्चर e6 चेक, किंग टू g6 फोर्स, बिशप टू d3 चेक, किंग टू h5 फोर्स, और अब क्वीन टू h3 जस्ट चेकमेट। सो जबरदस्त थ्रेट है पोजीशन में ऑलरेडी। सो इसीलिए क्वीन e2 के बाद पहले h6 नहीं, बट पहले आप क्या करोगे, इस बिशप को किक करना चाहोगे विथ नाइट टू b6, और जब जब आपका बिशप मूव होता है, ठीक है ना, और आपके किंग के पास स्पेस आ जाती है, तब यू कैन प्ले दिस पोन टू h6 मूव। अगर देखते हैं क्या होता है, बिशप टू b3, अब पोन टू a5। वो दोस्तों पोन टू a5 यहाँ पे इसलिए कि हम खेलना चाहते हैं पोन टू a4, और जो बिशप पे है उसको विन करना चाहते हैं। मींस बिशप अगर c4 पे आया तो नाइट कैप्चर c4, इस तरह से ब्लैक है उसके पास 2 बिशप एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि बिशप b3 के बाद क्यों क्वीन कैप्चर d4 पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि नाइट f3 अब आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे अगर आप ना क्वीन अगर मूव कर देते हो देन मेरी सिंपल थ्रेट है नाइट टू e5, और अब जो ये पोन ऑन f7 है उसका कोई डिफेंस नहीं है। सो बेसिकली दिस इज अ गुड पोजीशन। और यहाँ पे अगर आप नाइट f3 के बाद बिशप टू b4 चेक ट्राई करो, देन आता है पोन c3, जहाँ पे ऑफकोर्स बिशप कैप्चर c3 के बाद
अगर वाइट बिशप कैप्चर सी थ्री खेलता है देन क्वीन कैप्चर सी थ्री और ब्लैक की पोजीशन बेटर हो जाएगी। बट वाइट के पास एक बहुत ही शानदार मूव है, सी थ्री बिशप कैप्चर सी थ्री और अब किंग एफ वन। अब देखिए दोस्तों, नाइट जो है वो क्वीन पे अटैक करिए सो क्वीन हैंगिंग है, और पॉन जो है बिशप पे अटैक कर रहा है सो बिशप हैंगिंग है, और यहाँ पे जो वाइट है पीस प्लस हो जाएगा। सो इसीलिए बिशप बी थ्री के बाद गेम में खेला गया पॉन टू ए फाइव, और डी फोर पर अभी जो है पॉन है उसको मारा नहीं जा सकता। पॉन टू ए फोर और अब पॉन टू एच सिक्स। अब दोस्तों आप शायद सोच रहे होंगे कि क्यों अब नाइट कैप्चर एफ सेवन पॉसिबल नहीं है। वो कुछ इसलिए दोस्तों क्योंकि अब किंग कैप्चर, और प्रॉब्लम ये है कि नाइट बी सिक्स जाने से आपका जो ई सिक्स का स्क्वायर है ठीक है ना, दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द बिशप। सो यहाँ पे जो है ब्लैक को कोई दिक्कत नहीं है, पीस चला गया। सो इसीलिए ए फोर के बाद एच सिक्स, और अब नाइट को वापस रिट्रीट होना पड़ेगा। नाइट गई एफ थ्री पे बैक, गेम में खेला गया सी फाइव, टिपिकल पोन ब्रेक ठीक है ना, वाइट के सेंटर को अंडरमाइन करने के लिए। और अगेन दोस्तों यहाँ पे भी अब तो पॉसिबल ही नहीं है वैसे क्वीन कैप्चर डी फोर, लेकिन जो एच सिक्स से पहले इस पोजीशन में भी क्वीन कैप्चर डी फोर पॉसिबल नहीं था, अदरवाइज द सेम कंटिन्यूएशन होता नाइट टू एफ थ्री। बट एच सिक्स, नाइट टू एफ थ्री, पोन टू सी फाइव और अब बिशप टू एफ फोर। और दोस्तों यहाँ पे पोन कैप्चर ऑन डी फोर ठीक है ना, इज क्वाइट पॉसिबल, बट जो वाइट है उसको पोन वापस मिल जाएगा और सिंपली खेल सकता है लॉन्ग कैसल, और अब देर इज नो वे टू सपोर्ट दिस पोन ठीक है ना। दो अटैक है नाइट और रुक से, और पोन ऑन डी फोर भी पॉसिबल, सॉरी पोन ऑन ई फाइव तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिशप कैप्चर और नाइट कैप्चर ई फाइव, और ब्लैक के किंग जो है सेंटर में, तो उसकी पोजिशन काफ़ी गंदी हो जाएगी। सो बेसिकली इसीलिए बिशप एफ फोर के बाद पोन कैप्चर अवॉइड किया, और ब्लैक ने खेला बिशप टू डी सिक्स। और दोस्तों यहाँ पे देख लिए तो बेसिकली ब्लैक क्या करता है केरोकान में, व्हाइट के जो भी एक्टिव पीसेज होती है होते हैं ठीक है ना, उसको एक्सचेंज करने की ट्राई करता है। इस पोजीशन में भी देखिए बिशप जो है व्हाइट का एफ फोर पर वो काफ़ी एक्टिव है, सो इसीलिए सिंपली बिशप टू डी सिक्स खेला गया। अफकोर्स आप चाहो तो बिशप टू ई सेवन भी खेल सकते थे ठीक है ना, बट केरोकान जो प्लेयर होते हैं नॉर्मली दे प्रीफर मोर एंड गेम ठीक है ना, और जो ब्लैक व्हाइट के एक्टिव पीसेस होते हैं उसको एक्सचेंज ज़्यादा करते हैं, क्योंकि नॉर्मली केरोकान में क्या होता है कि व्हाइट जो है उसके पास स्पेस और एक्टिविटी काफ़ी रहती है ठीक है ना, और एक बार पीसेज एक्सचेंज हो जाए तो फिर एंड गेम जो है वो नॉर्मली केरोकान में ब्लैक की बेटर होती है। सो बिशप टू डी सिक्स, बिशप टू ई फाइव, यहाँ पर ब्लैक ने कैसल किया और वाइट ने लॉन्ग कैसल किया। और दोस्तों यहाँ पे ये जो है बिट इनएक्यूरेसी है, यहाँ पे ऑफकोर्स जो वाइट की थ्रेट है वो पोन कैप्चर ऑन सी फाइव और जो बिशप है उसको विन करना चाहते हैं ठीक है ना, बट यहाँ पे दोस्तों आया पोन टू सी फोर, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो डी फाइल है उसको क्लोज कर दी। और दूसरा दोस्तों बिशप कैप्चर अब सी फोर जो है वो फोर्स है, और उसके बाद हम नाइट कैप्चर ए फोर खेलेंगे। तो बेसिकली जब ए फोर पोन नहीं है तो आपका जो ए फाइव पोन है ठीक है ना, वो आगे काफ़ी हद तक पुश हो सकता है। सो बेसिकली ब्लैक है उसको काफ़ी अच्छा काउंटर प्ले मिलेगा, और उसका जो रुख है वो ए एट ठीक है ना, वो काफ़ी एक्टिव हो जाएगा आगे चल के। नाइट एच थ्री गेम में खेला गया, नाइट टू बी सिक्स, बिशप पे अटैक है, पोन टू जी फोर और पोन टू ए फोर। और दोस्तों ये आम बात है जब अपोजिट साइड आपका कैसल होता है, दोनों साइड ठीक है ना अपनी साइड के पोन जो पुश करके सामने वाले के किंग की पोजिशन वीक करके उस पर अटैक करना चाहते हैं ठीक है ना। और यहाँ पे दोस्तों जो पोन जी फोर खेला उसके बाद पोन ए फोर खेला गया, बट यहाँ पे नाइट कैप्चर जी फोर इज क्वाइट पॉसिबल, बट उसके अगेंस्ट जो वाइट है उसको काउंटर प्ले अच्छा मिल जाएगा, वो खेलेगा रुक टू जी वन, और उसके बाद नाइट कैप्चर ई फाइव पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज सिंपली पोन कैप्चर ई फाइव और ये जो बिशप है वो भी चला जाएगा ठीक है ना। सो ये पोजीशन में नाइट कैप्चर जी फोर, रुक एच जी वन और बाद में एफ फाइव खेलना पड़ता, और ऑफकोर्स ये पोजीशन प्लेबल है, बट स्टिल कि जब नाइट एफ फोर आता है ठीक है ना, ई सिक्स पे प्रेशर बनता है, दूसरा पोन ऑन एच थ्री की भी थ्रेट है ताकि रुक कैप्चर जो है वो जी सेवन खेल पाए, तो ये सारी एक्टिविटी वाइट ले सकता है। सो इसीलिए पेट्रोजन ने यहाँ पे वो इग्नोर किया, नाइट बी सिक्स के बाद जी फोर और नाइट कैप्चर जी फोर इग्नोर किया, उल्टा उन्होंने क्या किया जो सामने वाले का किंग है उस पर अटैक शुरू किया ए फोर, और ये दोस्तों क्वाइट अगेंस्ट द पेट्रोजन, मतलब पेट्रोजन है वो नॉर्मली किंग पे अटैक काफ़ी कम करते थे ठीक है ना, बट इस गेम में हम देखेंगे नहीं उन्होंने ताल के किंग को छोड़ा नहीं। पोन टू जी फाइव, हेच जी फाइव, नाइट कैप्चर जी फाइव, और अब दोस्तों वाइट का जो सारा प्ले है ठीक है ना वो बेस कर रहा है क्वीन टू डी थ्री, बिशप कैप्चर एफ सिक्स और एच सेवन पे चेकमेट ठीक है ना।
दैट इज़ द मेन आइडिया। तो हम देखेंगे उनको उस आइडिया को किस तरह से जो पेट्रोजन है उन्होंने नाकाम किया। यहाँ पे खेला गया पोन टू ई थ्री और ये लग रहा है जैसे कि अब क्वीन डी थ्री आ सकता है और जो ब्लैक है वो बस एक कदम दूर है, सॉरी वाइट जो है एक कदम दूर है। एक बार यहाँ से नाइट हटी ठीक है ना, तो उसके बाद एच सेवन पे मेट और अगर जी सिक्स भी आता है दोस्तों देन पोन टू एच फोर एच फाइव काफ़ी डेंजरस प्रूव हो सकता है। बट यहाँ पे पोन ए थ्री और अगर क्वीन डी थ्री खेला जाता है दोस्तों देन पहले नाइट कैप्चर सी फोर और अब अगर आप बिशप कैप्चर एफ सिक्स खेलते हो ठीक है ना, देन गेम इज़ ओवर सिंपली। पोन कैप्चर पोन चेक, किंग के पास एक ही जगह है और अब रुक टू ए वन इज जस्ट चेकमेट। सो यहाँ पे ए प्ले भी नहीं हो सकता बट क्वीन डी थ्री नाइट कैप्चर सी फोर, नाइट कैप्चर सी फोर अगर आता है दोस्तों देन सिंपली पोन टू ए टू और जो वाइट है उसका प्ले जबरदस्त हो सकता है। और इवन पोन टू ए टू भी नहीं, अगर आप चाहो तो यहाँ पे पोन कैप्चर पोन चेक भी दे सकते हो, ये भी अच्छी मूव है। सो बेसिकली जो ब्लैक है उसका काउंटर प्ले काफ़ी ज़बरदस्त है इस पोजीशन में। सो ए थ्री के बाद ठीक है ना पोन टू बी थ्री इज ऑलमोस्ट फोर्स और अब दोस्तों गेम में खेला गया जस्ट अ सेकंड बिशप टू बी फोर और व्हाट इज द पॉइंट बिहाइंड बिशप बी फोर। अब क्या आप क्वीन डी थ्री खेल सकते हो ठीक है ना, क्योंकि जो वाइट का मेन प्ले है उसी पे फोकस करता है। सो अगर आप क्वीन डी थ्री खेलते हो दोस्तों ठीक है ना देन पोन टू ए टू और अगर किंग बी टू ठीक है ना, क्योंकि अदरवाइज क्वीन बन के चेकमेट हो रही है। सो किंग बी टू इज ऑलमोस्ट फोर्स और अब आ सकते हैं दोस्तों नाइट कैप्चर सी फोर और यहाँ पे बी कैप्चर सी फोर पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज सिंपली क्वीन बी सिक्स बिशप कैप्चर एफ सिक्स अगर चेकमेट आप करना चाहो यहाँ पे एंड देन सिंपली बिशप टू ए थ्री डबल चेक क्वीन और बिशप का। सो किंग कैप्चर ए टू खेलो या किंग किंग टू ए वन ले लो, कुछ भी करो नेक्स्ट मूव में क्वीन टू बी टू इज जस्ट चेकमेट। सो बिशप बी फोर के बाद गेम में खेला गया रुक डी टू जी वन और हाँ दोस्तों सॉरी एक चीज और दिखा दूं मैं आपको, बिशप बी फोर क्वीन डी थ्री पोन ए टू किंग बी टू और नाइट कैप्चर सी फोर के बाद अगर आप क्वीन कैप्चर यहाँ पे सी फोर खेलते हो ठीक है ना देन सिंपली नाइट टू डी फाइव और थ्रेट दोस्तों अब बिशप टू सी थ्री और ये काफ़ी डेंजरस थ्रेट है और इवन क्वीन टू ए फाइव और ये सब थ्रेट को देखते हुए लगता है कि जैसे ब्लैक इज विनिंग। सो इसीलिए बिशप बी फोर के बाद वाइट ने खेला रुक डी टू जी वन, रुक को जो है किंग की फाइल के अगेंस्ट में लाए, पोन टू ए टू और अब किंग टू बी टू फोर्स और अब नाइट कैप्चर सी फोर। अगेन दोस्तों यहाँ पे क्वीन कैप्चर सी फोर फोर्स है, अगर आप पोन कैप्चर सी फोर खेलते हो देन सिंपली क्वीन टू बी सिक्स और सेम कंटिन्यूएशन होगा जो अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। सो नाइट कैप्चर सी फोर चेक, क्वीन कैप्चर सी फोर चेक और नाइट टू डी फाइव और थ्रेट है दोस्तों बिशप टू सी थ्री चेक। और देखिए इस गेम में ब्लैक ने किस तरह से ठीक है ना काउंटर प्ले लेके वाइट के जो सारे अटैकिंग आइडियाज है ठीक है ना उनको निस्तो नाबूद कर दिया। मेन चीज़ ये थी दोस्तों कि वाइट जो है किंग साइड अटैक करना चाहता था बट उसको इतना टाइम ही नहीं मिला। सो कई बार जो है काउंटर अटैक इज द बेस्ट डिफेंस ठीक है ना। और अब देखिए जो नाइट कब से अटैक कर रही थी ब्लैक की पोजीशन में उसको वापस जाना पड़ा नाइट टू ई फोर, क्योंकि देर इज नो अदर वे कि आप जो है बिशप सी थ्री चेक को स्टॉप कर सको। पोन टू एफ सिक्स खेला गया, बिशप टू एफ फोर और ये दोस्तों अगेन एक और मिस्टेक, बिशप टू जी थ्री शायद अच्छा था बट बिशप टू एफ फोर और यहाँ पे जो है वाइट ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर नाइट कैप्चर एफ फोर आता है देन क्वीन कैप्चर बी फोर। बट दोस्तों यहाँ पे एक इंटरमीडिएट चेक बिशप टू ए थ्री चेक किंग टू ए वन और अब नाइट कैप्चर ऑन एफ फोर और ये पीस चला गया और अब दोस्तों ताल ने एक या दो मूव की और उसके बाद रिजाइन कर दिया। यहाँ पे गेम में खेला गया पॉन टू एच फोर, रुक टू एफ सेवन और अब रुक जी फोर और ब्लैक ने खेला क्वीन टू ए फाइव और यहाँ पे वाइट ने रिजाइन कर दिया। रीजन ये है दोस्तों अगर रुक कैप्चर एफ फोर आता है देन सिंपली बिशप बी टू चेक, किंग कैप्चर बी टू, पोन टू ए वन क्वीन चेक, रुक कैप्चर और अब क्वीन कैप्चर ए वन और ये चेकमेट हो जाएगी। और अगर रुक जी फोर के बाद क्वीन ए फाइव और आप क्वीन ए फोर खेलते हो ठीक है ना, बट देन क्वीन कैप्चर ए फोर, पोन कैप्चर ए फोर और अब पोन टू ई फाइव, नाइट को प्रोटेक्ट किया ठीक है ना, बिशप से रुक पे अटैक किया और जो वाइट ब्लैक है उसके पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा पीस भी है
सो बेसिकली दिस पोजिशन इज टोटली विनिंग फॉर ब्लैक। सो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की गेम? मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।